अरे भाई शम्मी, मैं तो ना बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ अब इदरीस का। जैसे ही वो पाकिस्तान आएंगे ना, मैं अपने नाम घर करवा लूंगी। एक बात का ख्याल रखना, इस काम में देर नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द कर ले। अरे तुमसे ज्यादा बेताब तो मैं हूँ शम्मी। अच्छा, मैंने ना ये घर की हालत बेहतर करने के लिए बात की है बिलाल से। फिर कह रहा था कि करा देगा। अरे जोया के जवाब का इंतजार कर रहा है ना, इसलिए। बेवकूफ बना रहा है, इंतजार क्या करना, जब आप तो हाँ ही आना है, सबको पता है। चलो दो चार दिन देख लेते हैं ना, बाद में बात कर लेंगे। बात सुनो, ये मोहसिन भाई और उनकी बीवी घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे, और मजा ले जो तुम 1 रुपए का भी हिसाब ले लो, कब लोगी भाई? किसी वजह से खामोश हूँ मैं। बस मैं चाहती हूँ कि ये जो रिश्ता है ना, ये आराम सुकून से हो जाए, उसके बाद बात करूंगी मैं। अभी रहने दे, मैं नहीं चाहती कि कोई मसला खड़ा हो। हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो, बड़ी खतरनाक औरत है। इंतकाम लेने पे आ गई ना तो हम दोनों के लिए मसला हो जाएगा। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, बहुत चालाक है, जहेज का लालच देके हमें बेवकूफ बनाया। क्या समझती है अपने आप को, सारे कसबल निकाल दूंगी मैं इसके। तू देख जरा। छोड़ो ना शिमी, तुम्हारे लिए मजेदार चाय बना के लाती हूँ। और सुनो, नया जोड़ा बना के दोगी ना इदरीस के आने का? क्यों नहीं बनाऊंगी। अच्छा सुन, बिस्किट लेती आना। अभी लाई।